आज मैं लंबाई बढ़ाने का सबसे बेहतर नुस्खा आपको बताता हूं। और आपने चाहे कितना भी अभी तक ट्रीटमेंट करा लिया हो, यूट्यूब वीडियोस देख लिया हो, कोई भी वीडियो देखकर आपने कितना ही ट्रीटमेंट कर लिया हो, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, दोस्तों विश्वास कीजिए, आज की इस वीडियो में जो चीज मैं, जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा, वो टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं, निश्चित तौर पर आपकी लंबाई में कम से कम 8 से 10 इंच का फर्क आ जाएगा। हो सकता है 1 फुट भी लंबाई आपकी बढ़ जाए, लेकिन जो बातें मैं बताऊं उनको गांठ बांध लेना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी 15 दिनों में बढ़ेगी या 1 महीने में बढ़ेगी, इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं और 1 साल भी लग सकता है, लेकिन आपको संतुष्टि मिलेगी आज की इस वीडियो को देखकर, ध्यान रखना। देखिए बात ऐसी है कि हमारे शरीर में HGH हार्मोन होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इस हार्मोन का बढ़ना जब भी बंद होता है तभी हमारी ग्रोथ रुक जाती है। बहुत से लोग 7-7 फुट के हो जाते हैं, यानी ये उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन कई लोगों की कद काठी ठिगनी रह जाती है, बौने रह जाते हैं, उनका ये हार्मोन्स ग्रोथ नहीं कर पाता। इस हार्मोन्स को हमको एक्टिवेट करना है, उसके लिए ही मैं ये चीजें आपको बताऊंगा, ध्यान देना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ये चीजें देखिए, आपके बॉडी में पहले तो कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। अपना कैल्शियम का टेस्ट करा लीजिए, कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम का ट्रीटमेंट कराइए, लेकिन मैं जो चीज बताऊंगा उससे कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखते जाइएगा। देखिए आपको रोजाना क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठना है, ठीक है। उठने के बाद अपने शरीर को स्ट्रेच करना है। आप चाहे तो योगा कर सकते हैं, ताड़ासन होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ताड़ासन होता है, आप यूट्यूब वीडियोस देख लेना कैसे होता है ये आसन, आपको समझ में आ जाएगा। ये ताड़ासन आपको करना है 15 से 20 मिनट कम से कम। आपको स्ट्रेचिंग करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, बहुत तरह की होती है, आप कोई सा भी करके देख लीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो रोजाना कम से कम 1 किलोमीटर आप रनिंग करें, ठीक है। इससे क्या होता है, ये जो हार्मोन्स होता है ये एक्टिवेट होता है। मैंने जितना रिसर्च किया है, जितना मुझे लोगों का फीडबैक मिला है, यही मिला कि जिन लोगों ने एक्सरसाइज की, कसरत की, उनका ये हार्मोन बहुत जल्दी एक्टिवेट हुआ है। क्योंकि हमारे शरीर में फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, ट्रांस फैट होता है, ये इस हार्मोन्स को बढ़ने नहीं देता है। घर पर पड़े पड़े लोग मोटे होते चले जाते हैं, ठिगने रह जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। अब इस चीज को जल्दी रिकवर करने के लिए आपको गेहूं के दाने के बराबर चूना का इस्तेमाल करना है। रोजाना चूना का इस्तेमाल कीजिए, दिन में कभी भी खा लीजिए, दही में डालकर पानी के साथ ले लीजिए चूना। दोस्तों चूने के फायदे मैं आपको कभी आगे वीडियो में बताऊंगा, इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं, महिलाओं को भी मिलते हैं, पुरुषों को भी मिलते हैं, लेकिन चूना वो लोग खा सकते हैं जिनका लंबाई कम है। आपको रेगुलर खाना है, एक भी दिन मत छोड़ देना, 6 महीने भी खाना पड़े तो खा लेना, साल भर खाना पड़े तो खा लेना, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। 1 गेहूं के दाने से ज्यादा मत जाना, बस समझ गए। इससे आपके शरीर में वो सारे कमियां पूरी होंगी जो इस हार्मोन्स को रोक रही हैं। कैल्शियम आपके शरीर में पूर्ति हो जाएगा। ये हार्मोन्स की जो ग्रोथ है वो तभी बढ़ेगी जब आप चूने का इस्तेमाल रोजाना करेंगे, ध्यान रखना। आपको सबसे ज्यादा विटामिन डी यानी धूप का इस्तेमाल करना है, धूप में ज्यादा से ज्यादा रहना है, ध्यान रखना। जो लोग ठिगने रह जाते हैं, जिनकी लंबाई कम है, उन लोगों को विटामिन डी का इस्तेमाल करना। विटामिन डी की आप गोलियां भी ले सकते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप ऊपर से भी विटामिन डी लीजिए, जैसे धूप वगैरह से, और आप सप्लीमेंट के जरिए भी विटामिन डी ले सकते हैं, आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो चीजें हैं ये 21 साल से पहले कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है कि 21 साल तक ही ये HGH हार्मोन जो होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ये एक्टिवेट रहता है। उसके बाद ये बॉडी से, मतलब ये रिलीज नहीं होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है लेकिन ये ग्रोथ नहीं होता, हो पाता है। 21 साल से पहले ही आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं अगर आपकी लंबाई कम है। नहीं तो एक अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, आप 21 साल से ऊपर के हैं तो ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा, आप ट्राई भी कर सकते हैं एक बार, हो सकता है चमत्कार हो जाए आपके साथ में, कि आप गेहूं के दाने के बराबर चूने का इस्तेमाल कीजिए और जो मैंने एक्सरसाइज बताई है वो करिए, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अपनी डाइट का ख्याल रखना है, ज्यादा फैटी ऑयली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। बाकी का जितना भी मैंने फीडबैक लिया था अभी तक, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी, लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ है, ध्यान रखना, तो आप भी इस चीज का फायदा उठाइए। धन्यवाद।